हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इसकी वर्कशीट नंबर 3 और ये हमारा है वीडियो का पार्ट नंबर 3। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद में या इस वर्कशीट को पूरी पढ़ना है आपको, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो इस वीडियो को एंड मतलब देखने के बाद में, पूरा देखने के बाद में आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद में इस वर्कशीट नंबर जो 3 है उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उसको शेयर जरूर करना है। ओके, जो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 3 है उसका टॉपिक है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। मतलब टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, अगर वो हिस्टोरियंस किसी पास्ट की किसी भी जगह मतलब पीरियड की हिस्ट्री की स्टडी करता है तो कोई ना कोई सोर्सेज जो होता है वो यूज जरूर करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर वही सोर्सेज के बारे में आपको क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट आर द सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियन टू स्टडी द पास्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी हिस्टोरियंस जो है वो क्या करता है, पास्ट की हिस्ट्री की स्टडी करता है, तो वो कौन कौन से मतलब कौन कौन से सोर्सेज जो होता है वो उसको यूज करता है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। तो इसके अंदर आपको ये जो लाइन जो मैंने यहाँ पे दी गई ना कि कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, आर्किटेक्चर है, टेक्सचर रिकॉर्ड है, तो ये लाइन जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कोई भी हिस्टोरियंस जो है वो अगर पास्ट की हिस्ट्री की मतलब पास्ट के बारे में पता करना है किसी भी टाइम के मतलब पास्ट के बारे में, जैसे अभी तो प्रेजेंट है लेकिन हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है, तो वो जो हिस्टोरियंस लोग होते थे वो किस किस का यूज करते थे, कॉइन्स जो सिक्के होते थे जो रूलर्स लोग बनवाते थे, इंस्क्रिप्शन जो मतलब रूलर्स लोग जो होते थे जो पिलर्स होते थे उनके पर खुदाई करके कुछ लिखाते थे उनसे, या जो आर्किटेक्चर है पेंटिंग से मतलब क्या करते थे हिस्ट्री के बारे में पता करते थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब मैनुस्क्रिप्ट हो गया उनसे क्या करते थे मतलब पता करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही चीज जो है वो सबसे ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे जो मैंने इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा है वो ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस होते थे वो अगर उनको पास्ट की हिस्ट्री पता करनी है तो बहुत सारे सोर्सेज होते थे, लेकिन उन बहुत सारे सोर्सेज में वो कौन से सोर्स यूज करते थे वो डिपेंड करते थे कि वो किस पीरियड की हिस्ट्री कर रहे हैं और उनकी स्टडी का जो नेचर है वो कैसा है। स्टडी का नेचर का मतलब होता है वो किस बारे में मतलब पता हिस्ट्री मतलब क्या कर रहे हैं उसको पता कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके मतलब उसके बेसिस के ऊपर वो क्या करते थे, इन सोर्सेस को क्या करते थे वो यूज करके पास्ट के बारे में पता करते थे। ठीक है ना, अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे 1700 से लेके 1750 जो है ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर क्या हुए, बहुत सारे मतलब सोर्सेस मिले, लेकिन सबसे मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेस मतलब सोर्सेस का मतलब क्या हुआ, कॉइन्स मिल सकते हैं, इंस्क्रिप्शन मिल सकता है, आर्किटेक्चर मिल सकता है, टेक्सचर रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन जो 700 से लेके जो 1750 के जो पीरियड का टाइम है उसके अंदर जो बहुत सारे हमें क्या मिले हैं, टेक्सचर रिकॉर्ड मिला है। ठीक है ना, अब इस टेक्सचर रिकॉर्ड से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो टेक्सचर रिकॉर्ड जो थे वो हमें क्यों मिले। ठीक है ना, मतलब इतने ज्यादा टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट जो रिटर्न वर्क होता है ना, टेक्स्ट का मतलब होता है रिटर्न, मतलब रिटर्न के अंदर कोई आपको मतलब क्या मिलना, मतलब लिखी हुई कोई चीज मिलना पुराने टाइम के अंदर। ठीक है ना, तो उसके अंदर ऐसा क्यों था कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड आपको क्यों मिले, तो इसका रीजन यहाँ पे बताया गया था कि उस समय के अंदर मतलब 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम था इस बीच के अंदर क्या थे, पेपर्स जो होते थे वो इस जो थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, चीपर हो गए थे, मतलब सस्ते मिलते थे। ठीक है, और आपको बहुत ही इजीली क्या हो जाते थे, अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है वो हमें बहुत ज्यादा मिले। तो इस टॉपिक के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार हुए हैं यहाँ पे। तो एक तो आपको ये बताया गया कि जो हिस्टोरियन जो होते थे वो पास्ट की स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए वो कौन कौन सी सोर्सेस को यूज करते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ बना। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बना कि जो 700 से लेके जो 1750 तक का जो टाइम था उसके अंदर आपको टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मिले, तो उसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया कि जो पेपर जो थे उस समय बहुत सस्ता हो गया था और वो क्या हो गया था, इजीली अवेलेबल हो गया था। ओके, तो यहाँ पे आपका मतलब ये जो क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने आपको क्या करा दिया, इसमें से भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके बन सकते हैं। ओके,
अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर इन 14th सेंचुरी। जैसे मैंने बताया कि 14th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि जो पेपर जो है वो इजीली अवेलेबल हो गया, तो इसकी वजह से क्या क्या हुआ। तो जो मतलब जो लोग बाग होते थे वो मतलब क्या मतलब जो पीपल्स जो होते थे वो मतलब पेपर को यूज करते थे। किस किस के लिए यूज करते थे? होली टेक्स्ट को लिखने के लिए, कोई भी मतलब धार्मिक चीज मतलब चीज लिखनी है उनको, क्रॉनिकल्स मतलब जो रूलर्स के जो क्रॉनिकल्स होते थे वो भी किसी चीज मतलब लिखने के लिए क्या करते थे, पेपर का यूज करते। लेटर्स को लिखने के लिए पेपर का यूज किया जाता था। कोई भी संत को अपनी टीचिंग लिखनी है, मतलब कोई भी अच्छी बातें लिखनी है तो वो लिखना था। इसके अलावा जो जुडिशियल्स रिकॉर्ड जो होते थे वो भी पेपर पे लिखे हुए जाते थे। और मतलब इसके अलावा कोई भी मतलब किस कहीं का भी अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करना है वो भी पेपर पे लिखा जाता था। टैक्सेस के बारे में लिखना रहता वो भी पेपर पे लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो उस समय 14th सेंचुरी के अंदर क्या हो गया था, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गया था। ठीक है ना? अब पेपर जो है वो इजी अवेलेबल हो गया था तो इसकी वजह से जो मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी ना, मतलब हाथ से जो लो मतलब जो लिखने का जो काम होता था, जो चीज हाथ से हैंड रिटन जो होते थे ना टेक्सचुअल रिकॉर्ड, उनको हम बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है? अब पेपर जो सस्ता हो गया था उसकी वजह से जो मतलब जो अमीर आदमी होते थे, रूलर्स होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी और जो टेम्पल होती थी वो क्या लिखाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट लिखाती थी। ठीक है ना? मतलब रिटन के अंदर मतलब कोई भी उस समय के बारे में लिखना हो तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, क्योंकि पेपर जो है वो इजी अवेलेबल होता था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी वो कहाँ पे रखी जाती थी? जो लाइब्रेरी होती थी, आर्चिव होती थी, उनके अंदर जो है वो सेफली रखी जाती थी। ठीक है? अब ये जो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसके अंदर क्या होती थी, जो हिस्टोरियंस जो होते थे उनको क्या मिलती थी, एक पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हिस्टोरियन को यहाँ से मिलती थी। ठीक है ना? लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको यूज करना, उसको पढ़ना जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था, यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि 14th सेंचुरी के अंदर जो पेपर जो है वो इजी अवेलेबल हो गया, तो उसका जो लोग जो है वो क्या क्या यूज किया उन्हें, मतलब उसकी वजह से क्या क्या हुआ, तो ये सारे आंसर बताए गए हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना? तो दो क्वेश्चंस जो है इसके अलावा इसके अंदर और एक्स्ट्रा जो है वो आपके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। ओके? अब क्वेश्चन 3 के अंदर आपको ये बताया गया है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द 13th एंड 14th सेंचुरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 13 और 14th सेंचुरी के अंदर तो पेपर तो एकदम चीपर मतलब बहुत इजीली अवेलेबल हो गया था और सस्ता भी था, लेकिन उस समय क्या थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। ठीक है ना? तो उसका क्या इफेक्ट आया, उसकी मतलब उसका क्या इफेक्ट हमें यहाँ पे उस समय देखने को मिला? तो यहाँ पे ये बताया गया था कि जो 13 और 14th सेंचुरी थी उसके अंदर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। ठीक है? तो उसकी वजह से जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट होते थे वो किससे लिखे जाते थे? हैंड से लिखे जाते थे। और जो लोग मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते थे उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्राइब्स बोलते हैं। ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्राइब क्या होते हैं। ठीक है? अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो स्क्राइब लिखते तो थे, मतलब ये जो स्क्राइब होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते तो थे, लेकिन ये मतलब किसी भी चीज को कॉपी करना बहुत इजी काम नहीं होता था, मतलब ठीक है ना? तो ये जो स्क्राइब क्यों इजी नहीं होता था, क्योंकि जो स्क्राइब्स लोग जो होते थे ना, जो मतलब लिखने का काम करते थे, वो उनको दूसरे जो राइटर्स होते थे उनकी हैंड राइटिंग जो है वो समझ में नहीं आती थी। ठीक है ना? वो सिर्फ गैस करते थे, मतलब गैस करके क्या करते थे, वो लिखते थे। ठीक है ना? तो इसकी वजह से क्या होता था कि कोई भी स्क्राइब जो है वो कॉपी कर रहा है, तो कॉपी करके जो वो लिख रहा है ना, जो उसने मैन्युस्क्रिप्ट बनाया है वो क्या होता था, उसके अंदर मतलब स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलता था। जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फ्रेंड है, आपने एक फ्रेंड की कॉपी लेके आए हैं और आप उस फ्रेंड की कॉपी से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब आप काम करेंगे तो उसके और आपके फ्रेंड की जो आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो है वो क्या होगा, वहां पे दिखाई देगा। ये जो डिफरेंसेस जो होता था वो मतलब किसके अंदर हो सकता था, वर्ड के अंदर हो सकता था, सेंटेंसेस के अंदर होता था। और ये जो वर्ड और सेंटेंसेस के अंदर जो डिफरेंसेस होता था वो सेंचुरी तक जो होता था वो मतलब क्या होता था, मतलब चलता रहता था। मतलब जैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट बन गया, फिर दूसरे स्क्राइब ने क्या करा, उस मैन्युस्क्रिप्ट से बना के दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट बनाई, फिर दूसरे ने तीसरी मैन्युस्क्रिप्ट बनाई। तो इस तरीके से जो वर्ड और सेंटेंसेस के अंदर जो ये चेंजेस होता था वो क्या होता था,
मतलब थोड़ा थोड़ा ओके क्या होता था, बहुत बड़ा डिफरेंसेस जो है वो बन जाता था। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता था ना, मतलब एक जो मैन्युस्क्रिप्ट जो फाइनली जो बनता था वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से जो होता था वो एकदम जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता था। उसमें जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से जो होता था उसके अंदर मतलब उससे वो एकदम क्या होती थी, अलग होती थी। क्यों? क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी कर करके मतलब क्या हो जाता था, एक जो है वो एक बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता था। और जो हमें टेक्स्ट मिलता है और उस टेक्स्ट की जो मतलब आज पढ़ते हैं हम, तो वो हमें मतलब जो एग्जैक्ट जो हमें मिलनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री मतलब पास्ट की हिस्ट्री के बारे में, वो हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे मतलब ये इसके बारे में ये मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूरा लिखना है। मतलब ये है कि जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उसकी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट लिख तो रहे हैं, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से कैसे डिफरेंट है, तो ये पूरा आंसर जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो आपको, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, वहां कवर करने हैं। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये बताया गया है कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर। ठीक है, मतलब जो ऑथर्स लोग जो होते थे उन्होंने क्या लिखी थी, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन वो मतलब नहीं मिल पाती थी। क्यों नहीं मिल पाती थी? उसका रीजन जो है मतलब वो आपको बताना कि नहीं मिल पाती थी या उसकी कमी थी, उसकी वजह से जो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे उनको पास्ट की हिस्ट्री की स्टडी करने के अंदर बहुत सारी जो चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती थी। क्यों? तो सबसे पहले ये बताया था कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी ऑथर ने लिखी है, तो उसके बाद में क्या होता था, वो तो हमें नहीं मिल पाती क्योंकि वो बहुत पहले लिखी हुई है, लेकिन जो बहुत सारे जो लेटर्स मतलब उसके बाद में मतलब उसके बाद में जो स्क्राइब्स लोग जो होते थे वो क्या करते थे, उसकी कॉपी बनाते थे। तो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे ना, ये मतलब इन्हीं कॉपी को पढ़ पढ़ के क्या करते थे, वो मतलब पास्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते थे। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ही टेक्स्ट है, एक ही रूलर के बारे में आपको बहुत सारे जो स्क्राइब्स लोग जो हैं उन्होंने अलग अलग क्या कर दी है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर दी है। ठीक है, अलग अलग वर्जन उसके तैयार कर दिए हैं। अब जो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे उनको मतलब जो वास्तव में जो हिस्ट्री थी उस रूलर के बारे में, वो मतलब पढ़ने में मतलब स्टडी करने में बहुत तकलीफ पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस मैन्युस्क्रिप्ट उस रूलर के बारे में जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, एक तो बहुत ज्यादा वर्जन थे उसके बारे में। अब कौन सा वर्जन सही है कौन सा गलत है उसके बारे में मतलब जो हिस्टोरियंस लोग जो होते थे वो डिसाइड नहीं कर पाते थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी ना। अब तीसरा ये बताया गया है कि जैसे बहुत सारे जो क्रॉनिकल्स होते थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, तो उन्होंने अलग अलग टाइम के ऊपर मतलब अलग अलग टाइम के ऊपर मतलब क्या निकाले थे, अपने मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो अपडेट किए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 14th सेंचुरी के अंदर कौन था, एक जियाउद्दीन बरानी था, उसने क्या लिखा था, सबसे पहले 1356 के अंदर एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी और उसी मैन्युस्क्रिप्ट का एक और दूसरा वर्जन लिख दिया उसने 2 साल बाद। अब ये पता नहीं चलता है कि अब ये जो दोनों मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो 1356 में लिखी है और एक जो 1358 में लिखी है, अब ये दोनों मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एक दूसरे से क्या है मतलब डिफरेंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हिस्टोरियंस लोग जो है उनको हिस्ट्री के बारे में मतलब जो एकदम रियल इंफॉर्मेशन है वो मतलब नहीं मिल पाती थी। ठीक है ना? अब ये बताया कि ठीक है ये तो ठीक है उन्होंने लिख दिया, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे थे कि जैसे दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई आपको, बहुत सारे मतलब किसी एक ऑथर के बहुत सारे अपडेट वर्जन भी मिल गए, लेकिन 1960 तक तो ऐसा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट के जो फर्स्ट वर्जन होते थे मतलब उन हिस्टोरियंस को नहीं मतलब पता ही नहीं था फर्स्ट वर्जन के बारे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी के अंदर जो करेक्शन हो गया था वो काफी ज्यादा क्या हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। कैसे खत्म हुआ था? उस समय जो रूलर्स लोग जो होते थे मतलब जो राजा लोग होते थे वो मतलब एक किंगडम को जीतते थे, फिर वो उनके क्या करते थे, जो लाइब्रेरीज होती थी वो मतलब जो होते थे ना उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी मतलब उस रूलर्स के बारे में जिसको उन्होंने हराया था, तो उससे रिलेटेड जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो जो लिंक है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता था। तो इस वर्कशीट के अंदर मैंने आपको करा दी है क्वेश्चन नंबर 4th, मतलब तो इससे आपको यहाँ पे सब कुछ जो है वो मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, कवर करना है, मतलब ये क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे तो ये आपका जो पूरा टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को अभी वर्कशीट देखने के बाद ही क्या करना हैंड टू हैंड सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।